न्यूज क्लिक के दर्शकों को हम बता दें कि हैदराबाद वाली जिस घटना की हम जिक्र कर रहे थे उसमें एक बहुत अहम भूमिका अदा की एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने। आपका न्यूज क्लिक में बहुत स्वागत है वृंदा जी। थोड़ा हमें ये बताइए कि जिस तरह से जब ये एनकाउंटर हुआ था और जिस तरह से एक यूफोरिया क्रिएट किया गया था इसके इर्द गिर्द, उसको इतने साल बाद जो काउंटर किया गया और जो उस समय भी सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह से एनकाउंटर किया गया ये फर्जी है, इससे क्या संदेश जाता है? क्योंकि एक माहौल जो भारत में बन रहा है वो है कि बस तुरंत न्याय चाहिए, इंस्टेंट जस्टिस चाहिए। उसको आपने जो ये हस्तक्षेप किया उसमें एक बहुत बड़ी पहल आपने हासिल की सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल भाषा, मुझे लगता है ये एक बहुत अहम ऑर्डर है क्योंकि एक रुख बनाया जा रहा है और ये रुख बहुत सोच समझ के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट बना रहे हैं कि भाई देखिए कोई ये एक घटना हुई है जो ऑफ कोर्स बहुत ही हॉरिफिक क्राइम है, द गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ दिशा, और इसलिए लोग उत्तेजित हैं, लोग नाराज हैं, लोगों के परेशान है कि क्या हो रहा है हमारे देश में, विशेषकर औरतों के खिलाफ जो हिंसा है और औरतों को कैसे अपने काम से आप वापस नहीं आ सकते अपने घर, इतनी असुरक्षा महसूस हो रही है। उसका फायदा उठाते हुए, उस बेचैनी का फायदा उठाते हुए किस तरह एक माहौल बनाया गया जिसमें 4 आदमियों को पकड़ा गया और फिर हमें मालूम नहीं कि उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या पता चला। 27/11/2019 को उनको अरेस्ट किया जाता है और या 29 को, और 6/12 को हमें पता चलता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको कहीं लेके गई और उनकी हत्या हो जाती है। और पुलिस और खासकर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल एज अ ग्रेट अचीवमेंट बताते हैं और लोग पब्लिक उसको सराहती है और बताया जा रहा है कि देखिए इंसाफ हो गया, फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल, तो ये बहुत खतरनाक है। इसमें क्या हो रहा है, पुलिस लोगों की बेचैनी और परेशानी का फायदा उठाकर, जो हमारा रूल ऑफ लॉ है, जो हमारा सिस्टम है कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और कौन दोषी है निर्दोष है ये बातें, ये तथ्यों को उनको केवल जुडिशरी के सामने रखना है। यहाँ तो पुलिस जुडिशरी का रोल ही खत्म कर रही है और अपना काम जरा नहीं कर रही है। आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, आप कैसे इस नतीजे पे पहुंचे कि फला फला ने ये कांड किया है, उसका कोई जिक्र नहीं है। अपना काम करने के बजाय पूरी जुडिशरी और कोर्ट्स के काम को साइड पे रख के ये कह के ओ डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, हम फटाफट डिसाइड करेंगे, ये कितना खतरनाक मोड़ है हमारे देश के लिए। ये रूल ऑफ लॉ को खत्म करता है, ये जुडिशरी के रोल को यूसर्प करता है और ये पुलिस को ये इजाजत देता है कि वो डिसाइड करे कौन दोषी है कौन निर्दोष है और वहीं के वहीं लोगों को रफा दफा करे। इस देश में बहुत लंबा इतिहास है इस तरह के पुलिस रवैया के, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो और कहीं हो। अब जी, और के नाम पर जिस एक चीज वृंदा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जो दखल किया इसमें वो कहां किया, आपका इंटरवेंशन कहां हुआ और आपने क्या सोच के इंटरवीन किया इस मामले में? देखिए, बहुत अहम बात है कि महिला हिंसा के नाम पर पुलिस काम तो करती नहीं है, एफआईआर तो लिखती नहीं है। इस केस में भी जब कंप्लेंट पेरेंट्स कर रहे थे कि वो कह रही है मैं फंसी हुई हूँ, कोई एफआईआर नहीं दे रहा था और उनको दौड़ाया जा रहा था और फिर ये हादसा होता है। सबसे पहला हस्तक्षेप हैदराबाद में जो महिला एक्टिविस्ट है, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट है, उन्होंने सबसे पहले उसी शाम को चिट्ठी लिखी तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। उस चिट्ठी को चीफ जस्टिस साहब ने 8 बजे डिवीजन बेंच को निर्देश दिया कि ये चिट्ठी को एक PIL के रूप में आप स्वीकार कीजिए और इमीडिएटली इस पर सुनवाई हो। उस दिन रात को 8 बजे तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और वो बॉडीज को प्रिजर्व करने का आदेश देता है अदालत, ताकि जो सबूत है कि असल में ये क्या कोई मुठभेड़ थी या लोगों को मार दिया, ये बात के सत्य तक पहुंचना। तो बहुत अहम बात है कि इसमें हस्तक्षेप सबसे पहले विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट का लेटर करता है जो नकारते हैं पुलिस के इस तरह के रवैये को।
तो ये औरतें ये नहीं मांग कर रही कि पुलिस की लॉलेसनेस से हमारी हिफाजत इस देश में नहीं होने वाली, ये बात हम लोगों को स्पष्ट है। उसके बाद मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं तेलंगाना हाईकोर्ट आकर उनके लिए इस केस में पेश हूँ। वहां पर हमें हाईकोर्ट से बहुत इमीडिएट रिलीफ मिले और बॉडीज को प्रिजर्व किया गया। हमने और भी बहुत सारे एविडेंस बोले कि भाई किस तरह के वेपन्स यूज किए, उसको इमीडिएटली कस्टडी में लिया जाए, वहां का जो एरिया है उसको सिक्योर किया जाए, कौन सी गाड़ी से गए, कौन से रजिस्टर लिए गए, कहाँ पे उनको रखा गया, हर चीज पुलिस के काम में कागजों में लिखी होती है, जनरल डायरी होती है। अगर आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन ले रहे हैं उसका रजिस्टर होता है, व्हीकल का लॉग बुक होता है, ये सबको सिक्योर किया जाए। जब हम लोग ये आदेश हमको इमीडिएटली हैदराबाद हाईकोर्ट से मिल रहे थे, तो यहाँ पर दो वकीलों ने अपने नाम से एक PIL दाखिल करी। वैसे उन वकीलों को शायद जानकारी नहीं थी कि हैदराबाद हाईकोर्ट ये केस देख रहा था। खैर, उन्होंने कर दिया। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिल्कुल उसमें इमीडिएट इंटरवेंशन किया और कहा कि ये इंस्टेंट जस्टिस का जो दौर है ये देश में नहीं स्वीकार कर सकते, और एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेडेड बाय अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने नियुक्त की। अब ये कमीशन को बनने बैठाने में समय लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे को ये घबराहट थी कि उस बीच में जो एविडेंस है, क्योंकि आप वो कमीशन कर दी जाए तो दोबारा एक PIL उन्हीं पेटिशनर्स के नाम से जिन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट में लीड पेटिशनर जिसमें केस सजाया, जो खुद एक जर्नलिस्ट है, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, उनके नाम से मैंने फिर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि आप जाकर हाई कोर्ट से सब आदेश ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो हम वापस हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने फिर सारे एविडेंस को सिक्योर किया। इसके बीच में स्टेट का जो रवैया था वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। उन्होंने कहा हमने एक SIT बना दी है, वो देख रही है जो कर रही है। और फिर कमीशन के सामने भी के सजाया ने एफिडेविट डाला, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स डाले, कमीशन ने देखा कि हमारी पहल पर ये पूरी बातें सामने आई, और कमीशन ने हमें इजाजत दी कि हम सारा एविडेंस देख सकते हैं, और हमने ओरल और रिटन आर्ग्यूमेंट्स कमीशन के सामने मैंने पेश करी जी। और फिर वो कमीशन की रिपोर्ट आई जो बंद लिफाफे में पहुंची जी, उसे खोलने के लिए तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में हमने फिर इंटरवेंशन डाली कि हमारी हमें सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ तेलंगाना, बहुत दिलचस्प बात है, अब स्टेट ऑफ तेलंगाना को किसकी फिक्र होनी चाहिए, औरतों की, देश की, क्या देश में रूल ऑफ लॉ है, या कि उन चंद पुलिस वालों की जिनके ऊपर प्रोब चल रही है। खैर, स्टेट ऑफ तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट में आके कहता है कि इसका बहुत कुछ ऐसे इफेक्ट हो सकता है, इसको बंद ही रखिए। अब ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी पब्लिक कमीशन ऑफ इंक्वायरी थी, लोगों ने बैठ के सुना है, सारी गवाहियां पब्लिक में हुई हैं, और ये पब्लिक रिसोर्सेस से जब होते हैं ये कोई सीक्रेट अफेयर नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में। तो चीफ जस्टिस साहब इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट थे, उन्होंने कहा ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है कि अगर एक फेक एनकाउंटर किया है तो ये बात लोगों को जाननी चाहिए, और नेशनल सिक्योरिटी का नहीं है कि छुपाया है, और स्टेट इसको दबा रहा है। ये सवाल एक्चुअली स्टेट के ऊपर उठता है कि आप क्या छुपाना चाहते हैं, आप क्या इन पुलिस वालों की सुरक्षा करना चाहते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करेंगे। और उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और सारी पार्टीज को, और ऑफ कोर्स पूरे मीडिया के पास वो रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट साफ दिखाती है कि हर स्टेज पर पुलिस ने हर, मतलब कि अगर आप CRPC जिस जो निर्धारित करती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके हर सेक्शन का उल्लंघन करके तेलंगाना पुलिस ने दिखा दिया है इस केस में। तो चीफ जस्टिस साहब ने वो रिपोर्ट इमीडिएटली हम सबको अवेलेबल करवाई जी। तो इस तरह से पब्लिक या सब जनता के सामने आया कि किस तरह से फर्जीवाड़ा किया, किस तरह से एनकाउंटर फर्जी था, और पूरे मामले को लोकप्रिय हासिल करने के लिए तेलंगाना पुलिस ने पूरा ड्रामा किया था। और शायद आप लोगों का दखल ना होता तो जिस तरह से इंस्टेंट जस्टिस और खास तौर से महिला हिंसा वाले मामले में तो पूरा माहौल बना दिया गया है कि तुरंत
फांसी दे दी जाए, तुरंत मार डाला जाए, ताकि बड़े दोषी हमेशा बच जाते हैं, हमने ये देखा है। तो बहुत बहुत आभार। एक बात जोड़ना चाहूंगी कि ये महिला हिंसा, और देखिए जिनको मारा है वो कौन है, वो वाल्मीकि बोया ट्राइब के, एक बैकवर्ड ट्राइब के तीन उनमें से, अब कमीशन ने हमारे सामने रखा है कि वो माइनर थे, और ये बात कि वो माइनर थे जिनको आप इस तरह अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकते जेल में, ये बात पुलिस जानती थी। तो पुलिस बिल्कुल लोगों की और खासकर महिला सुरक्षा के मुद्दे की आड़ में पूरे कानून की धज्जियां उड़ा रही है इस देश में जी। अब मामला वापस तेलंगाना हाईकोर्ट जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि वहां पर जो तेलंगाना की सरकार है वो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा न्यूज क्लिक से बात करने के लिए। और इस तरह के दखल से मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत ये है कि जो त्वरित न्याय का एक पूरा हिसाब बन गया है, कहीं बुलडोजर चलने लगता है, कहीं इनकाउंटर होने लगता है, कहीं लिंचिंग होने लगती है, शायद इन सब के लिए एक एग्जाम्पल ये जो हस्तक्षेप है, ये जो इंटरवेंशन है, ये बनाता है कि कानून का काम कानून वालों को करना चाहिए। एक प्रोसेस है जो अभी तक हमारे देश के संविधान और सीआरपीसी एक्ट में, कानूनों में लिखा हुआ है, धाराएं हैं, तो शायद ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। शुक्रिया।